नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। डॉज कॉइन अचानक से पंप हो गया, उसकी वजह थी इलॉन मस्क। और वो हमेशा से रहा है कि कहीं ना कहीं डॉज कॉइन जब उड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह इलॉन मस्क वाली ही होती है। अब इसके पीछे पीछे और कौन चल सकता है, चलो उस पर भी बात करेंगे। और ओवर वॉलेट या ओवर प्रोटोकॉल जो भी है, इसमें आगे क्या हुआ है वो भी आपको समझाते हैं। बहुत से लोगों को वैसे देखिए, मार्केट में आपका बीटीसी अभी फिलहाल $73,500 के आसपास चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बीटीसी में तो देखिए बुलिशनेस पूरी है और कहीं ना कहीं इसके पीछे वही बाइंग ही चल रही है दवा के। आज भी एक ट्वीट कल से ट्रेंडिंग कर रहा है माइकल सेलर का, वो $500 मिलियन अपना लेके घूम रहे हैं कि दोबारा से बाइंग करने के लिए। अभी पीछे उन्होंने बाइंग की है, ज्यादा दिन हुए नहीं है, और फिर दोबारा से उन्होंने एक प्लानिंग कर दी अपने $500 मिलियन को लगाने की। तो कहीं ना कहीं ये जो बाइंग का जो पीछे से प्रेशर है ना इतना, ये बीटीसी को बस ऊपर ऊपर ले जा रहा है। वो आप जो $3,000-4,000 का जो ऊपर नीचे देखते हैं, वो तो केवल छोटा सा एक लिक्विडेशन होता है, जो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं पैसा बनाता है। बाकी जो होल्डिंग करके बैठे हैं माइकल सेलर जैसे, और जो आपके ETF जो होल्ड करता है, वो तो देखिए लेके बैठे, उन्होंने अभी इससे कोई मतलब नहीं कि प्राइस कहाँ जा रहा है या किस प्राइस पे मिल रहा है। तो फिलहाल आप बीटीसी में बुलिश रहिए, इसमें नो डाउट, इसमें आप डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां जो आज एक पॉजिटिव चीज जो हो गई और अचानक से हो गई, एक इलॉन मस्क का जो है एक वीडियो काफी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गया। और वो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा, उन्होंने ये कह दिया था कि साहब बिल्कुल आज से ही आपका ये सब जो है हो गया है, इसमें एक तरह से इंप्लीमेंट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने घुमा फिरा के बात करी कि भाई डॉज कॉइन को कहीं ना कहीं टेस्ला इनेबल करने वाला है पेमेंट सिस्टम में। तो देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हटाया गया है, कई बार बीटीसी को रखा गया, तो ये चीजें कई बार हो चुकी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि न्यूज काफी होती है, वो भी ऐसे बुलिश मार्केट में, और वही कहीं ना कहीं डॉज को आज पंप कर गई। मैंने इसको ट्विटर पर शेयर भी किया था, और जो कमेंट है वो ये, टेस्ला विल इनेबल डॉज पेमेंट एट सम पॉइंट, डॉज टू द मून इलॉन मस्क। तो ये एक ट्वीट भी काफी वायरल हुआ, वीडियो भी जो क्लिप है वो भी काफी वायरल हुई, उसी की वजह से डॉज आप देख रहे हैं अचानक से शूट कर गया। और ये डॉज अभी फिलहाल इस न्यूज की वजह से डॉज का प्राइस देखिए करंट में तो 0.18 की सीरीज के आसपास आपका चल रहा है डॉलर में है। लेकिन ये जो उससे पहले जो चल रहा था 1.6 या 1.7 की सीरीज के आसपास आराम से वही एक साइड बाय मूवमेंट टहल रहा था। लेकिन अचानक से ये न्यूज जैसे ही फ्लैश हुई और ये डॉज अच्छा खासा आपका ये मान लीजिए $0.2 के आसपास तक आपको फ्लैश होता हुआ नजर आया। उसके बाद जब देखा अरे ये तो न्यूज है, अभी इंप्लीमेंट तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है साहब, उसके बाद एक छोटा सा आपको डंप कह सकते हैं या करेक्शन कह सकते हैं, आपका फिर से वही यानी 0.17 के आसपास तक फिर से आया। लेकिन अब धीरे 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 फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा अभी डॉज का प्राइस 1.8 की सीरीज के आसपास घूम रहा है। तो ये क्या है, इलॉन मस्क जिसने केवल एक ट्वीट किया, ट्वीट भी नहीं किया, वो केवल बोला था वहां थोड़ा सा, उसी की वजह से ये हुआ। तो भाई अभी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये कोई पक्की न्यूज आ गई और इलॉन मस्क ने ट्वीट करके इसको बोल दिया, तो डॉज यहां से एक अच्छा खासा शूट कर सकता है, नजर जरूर बना के रखिए। इसके पीछे पीछे देखिए फ्लोकी इनू भी चलेगा। अभी देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट हूं, फ्लोकी इनू के बारे में कुछ भी इलॉन मस्क ने बोला नहीं है, लेकिन अब नजर जरूर बना के रखिए, फ्लोकी इनू जरूर चलेगा। तो आप अपनी होल्डिंग जो होल्ड करके बैठे हैं, होल्ड कीजिए मजबूती से, क्योंकि पहले भी आप ट्विटर पे देख ही चुके हैं CEO बना चुका है फ्लोकी को, तो इलॉन मस्क है, कुछ भी कर सकता है। तो आप थोड़ा सा इलॉन मस्क पर, डॉज कॉइन पर, फ्लोकी पर, इन पे फोकस जरूर रखें, जिससे कि कम से कम एक जो प्रॉफिट मिलता है इंस्टेंट, वो तो हासिल किया जा सके। फिलहाल देखिए कल जो इथेरियम का अपडेट था, उसके बाद थोड़ा सा इथेरियम में फिर से थोड़ा सा डाउनफॉल आप देख रहे हैं, जो $4,000 से नीचे आ गया है। लेकिन BNB ने जो है अच्छा खासा ये स्पाइक मारी रखा है, $619 पर फिलहाल BNB चल रहा है आपका। और हम इसकी बात क्या करते थे जब ये 228-225 के रेंज में जब घूमा करता था, उस टाइम हमने काफी कहा था कि भाई BNB आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो अब वहां से और यहां जो प्राइस आज की डेट में है, आप खुद कंपेरिजन कर सकते हैं कि BNB कहां पहुंच चुका है। दूसरा, सोलाना और सोलाना इकोसिस्टम के टोकन्स जो है तबाही मचा ही रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में फिलहाल बुलिशनेस दिखा रही है कि हाँ साहब वाकई में सभी चीजें अभी बुलिश हैं। तो आप होल्ड रखिए, और जो मैं कहता हूँ सेकंड पोर्टफोलियो जैसे प्रॉफिट लेना है तो उसमें आप प्रॉफिट भी बुक करते हैं। देखिए जेब में भी आना जरूरी है, हम होल्ड करके बैठे हुए एक अलग सीन है, लेकिन हमारा कुछ जेब में भी हिस्सा आना चाहिए। तो ये है मार्केट का हाल। अब आते हैं ओवर वॉलेट पर। ओवर वॉलेट में वो तो तारीख निश्चित थी, और कल ऐसा हुआ भी कि ठीक है आप उसको अपडेट कर सकते हैं और आगे के स्टेप पर आप आ सकते हैं। लेकिन
इतना ज्यादा कल वर्डन हो गया कि उनका एक तरह से देखा जाए तो सिस्टम ही एक तरह से फेल हो गया, यानी आपको जो है पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा था और उसी बात पे लोग परेशान हो गए, सर ये क्या हुआ, मेहनत बेकार तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। तो जिन लोगों को लॉग इन करने में परेशानी आ रही है तो साइड में देखिए स्क्रीन चल रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसे देखते जाइए और करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए अब जैसे आप जब वहां अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस सामने आ रहा होगा और आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस द न्यू ओवर वॉलेट नाउ, यानी एक पेज खुला हुआ है और नीचे आपका गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आगे आपका आ जाता है ईमेल डालने का। जब वहां ईमेल आप डाल देंगे, ईमेल वही डालना है जो आपने पीछे डाला था, यानी कि पिछले वाले उसमें। उसके बाद आपको ईमेल पर एक वेरिफिकेशन आएगा, ईमेल पर जाइए और वहां पर उसको वेरीफाई कर दीजिए, आपके ईमेल पर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब उसको आप वेरीफाई कर देंगे तो आपका बाकायदा वेरीफाई का टिक आ जाएगा, ठीक है, आपने जो है वेरीफाई कर दिया। उसके बाद आपको दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके ओवर वॉलेट पे, वहां आपको एक छोटा सा पासवर्ड बनाना है 4 अंकों का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नहीं होता था लेकिन यह 4 अंकों का पासवर्ड बनाएंगे और उसी टाइम आपका जो पुराना एक तरह से निकनेम था वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने जब आपका निकनेम आ जाए समझ लीजिए आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड अलग से बनाना है जिसमें आपके नंबर्स होंगे, कुछ अल्फाबेट्स होंगे, कुछ स्पेशल करेक्टर होंगे, तो आप यहां सारे मिक्स करके एक पासवर्ड बना दीजिए और उसी को दोबारा से वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद इसको कंफर्म कर दीजिए, इसको हम कीज बोलते हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए सेव करके रखना है। फिर कुछ ही आपको परमिशन मांगेगा तो आप उसको टिक कर दीजिए, जो नीचे आप देख रहे हैं अब वो टिक, उसके बाद आगे कंटिन्यू और उसके बाद आपका पूरा पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहां आप देख रहे हैं यू हैव गॉट ए गिफ्ट, उसी के नीचे आपका जब क्लिक करेंगे तो आपको 500 ओवर एक बार एडवांस मिलेंगे, तो उसको आप ले लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, क्लेम कर लीजिए। उसके नीचे आता है ग्रैब ए डेली ग्रांट, यहां पर भी आप आगे क्लेम कर लीजिए और वहां देखो थोड़ा सा पहिया घुमा सकता है क्योंकि मैं देख रहे हैं ना इतने सारे लोग अचानक से सब इसको एक तरह से अपडेट कर रहे हैं, उसमें एक तरह से एंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन आपको ये 500 एक ही बार मिलेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद रोज नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको रोज 10 जरूर मिलेगा, ये 10 हो सकता है किसी का कम ज्यादा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रांट 10 तो सबका ही मिलेगा, ठीक है। तो आप पर डे टाइम आएगा, जैसे ग्रैब डेली ग्रांट, तो आप उसको जो है पर डे अपना अपडेट करते रहिए और 10 टोकन एक्सेप्ट करते रहिए। और इसमें अगर फिर से प्रॉब्लम आती है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको जो है फिर से रिट्राई कीजिए, इसी तरीके से करना, इसमें और ज्यादा कुछ अभी करना नहीं है। जब ये आपका हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आज से ही लागू हो गया है, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहां आप शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।